please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी कॉटन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के विदर्भ इलाके में किसानों का दावा है कि वहां 50% तक फसल चौपट हो गई है। दरअसल फसल पर पिंक बॉलवर्म नाम का कीड़े का हमला हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या डिटेल्स है जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रही है सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। गुड मॉर्निंग मनीषा। किसान की तरफ से जो इस वक्त हमने भाषा सुनी है, जो बातें सुनी हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कितना आंकलन है इस वक्त नुकसान का, क्या असेसमेंट है फिलहाल? जी हाँ, आकलन अभी पूरी तरह से तो नहीं आया, लेकिन 50-70% ऐसा माना जा रहा है कि जो कपास की फसल है महाराष्ट्र में, वो यहाँ पर डैमेज की तरफ है। आपको बता दें कि भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉटन के लिए, उसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है यहाँ पर कॉटन के लिए, और वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी डैमेजेस यहाँ पर फिलहाल हम फेस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, तेलंगाना में काफ़ी हद तक हमने वही आते हुए देखा है, कर्नाटका में, एमपी से भी कुछ खबरें हैं कि किस तरह से वहाँ पर भी फसल को नुकसान है। हरियाणा के भी कुछ बुराई के इलाकों से ये खबरें देखने को मिली हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पर डैमेज की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर बताई जा रही है। किसानों ने ऑफकोर्स यहाँ पर बीज की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं। हमने ये भी देखा है कि प्राइसेस में जिस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है, इस बार बुआई का इलाका पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा था, और किसान मान रहे थे, क्योंकि किसान दूसरी फसलों को छोड़कर यहाँ पर कॉटन की बुआई करने निकले थे, कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है। MSP के ऊपर हमने यहाँ पर प्राइसेस चलते हुए देखे थे, लेकिन वो अब काफ़ी हद तक बदलता हुआ नज़र आ रहा है। क्वालिटी अगर आप देखें तो वो तो कम है ही, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में यहाँ पर आवक अच्छी खासी रहती है, ये पीक अराइवल सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों को ना तो वैसी क्वालिटी, ना तो फसल, और ना ही वैसे प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर आते हुए नज़र आए हैं। तो अब ऑफकोर्स थोड़ी सी चिंताजनक बात तो यहाँ पर है ही कपास को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी उसी तरह के क्यूज़ आ रहे हैं। USDA ने भी यहाँ पर भारत की जो क्वालिटी है या क्रॉप है उसको देखते हुए यहाँ का जो आउटपुट एस्टिमेट है वो यहाँ पर कम कर दिया है। तो काफ़ी तरफ से यहाँ पर एज ऑफ नाउ हम इशूज़ आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन पाशा पटेल जी को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं अपने साथ चर्चा में, जो अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। मिस्टर पटेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, किस तरह के नंबर्स आपके पास हैं, किस तरह का डैमेज फिलहाल हम यहाँ पर महाराष्ट्र में देख रहे हैं कपास को लेकर? इस साल महाराष्ट्र में 42 लाख हेक्टर पे कपास लगाई गई थी, जिसमें अब तक महाराष्ट्र में किसानों ने 7,88,000 हेक्टर के किसानों ने, कम से कम इसके 7,21,000 किसानों की संख्या है, इतनी बड़ी संख्या के लोगों ने ये कंप्लेन की है कि हमारे पास जो कपास थी उसका उस पे ये बोलगार्ड का अटैक हुआ है, और कम से कम महाराष्ट्र में BT कॉटन जो का सोइंग जो होता है उसमें, पूरे कॉटन में जो सोइंग होता है उसमें 98% ये BT कॉटन होता है, इसलिए इस पे ही जो अटैक आया हुआ है, इसलिए लोग बड़े परेशान है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में, जैसा आपने अभी कहा कि इस साल सबसे ज्यादा सोइंग कपास में हुआ था, क्यों, तो लास्ट ईयर MSP से भी कम पैसे मिले थे किसानों को सोयाबीन, और 5,500 से ज्यादा कपास को मिले थे, इसलिए सारे के सारे बड़ी संख्या में किसान कपास की तरफ गए थे। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है, ये देखते हुए अगले साल फिर एक प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि किसान कपास छोड़ के सोयाबीन की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी कुछ किसानों की जो तकलीफ है, उनका कहना यह है कि भाई ये कपास दोबारा आएगा क्या, नहीं, इतना बड़ा अटैक आया हुआ है, लेकिन पिछले 2 सालों में गुजरात में इसी तरीके से बोलगार्ड का अटैक आया हुआ था कॉटन में, लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो गुजरात में 100% वो रिकवर हो चुका है जी। इसलिए किसानों के मन में जो डर है कि अगले साल कपास आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आ सकता है, उसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो बातों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा और किसानों के मन में जो डर पैदा हुआ है वो डर को निकाला जाएगा। तो पाशा भाई, आप कहेंगे कि जिस तरह से गुजरात इसने इसको ओवरकम किया है, महाराष्ट्र क्या गुजरात से कुछ सीख ले रहा है इस वक्त, आप क्या कह रहे हैं किसानों को, और आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर सीड कंपनियों को, क्योंकि BT कॉटन की जो सीड कंपनियां हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर कंप्लेन फाइल की गई है पुलिस में, तो वो मैटर अभी कहाँ पर है?
नहीं नहीं बरोबर है। देखिए सबसे बड़ी जो गलती है ना शेयर कंपनियों वालों की है, शेयर कंपनियों वालों को कुछ जो हम शेयर देते हैं उसमें वो जो ये देना था उन्होंने वो सीड में 20% अलग से जो बीज देना चाहिए था वो नहीं देते हुए उन्होंने वो भी बीती दिया। इसलिए किसान को क्या है, किसान को तो समझाना पड़ेगा ना, ये सीड कंपनियों का फर्ज था कि उनको किसानों में जागृति करना, किसानों को ये सारी टेक्निकल नॉलेज देना था, लेकिन उन्होंने गलती की है। और कुछ तो किसानों का कहना ऐसा है कि जो जिस तरीके से बीटी होना चाहिए था उस तरीके का बीटी का प्रयोग हुआ ही नहीं है। और सबसे और एक कंप्लेन किसानों में जो है वो कंप्लेन ये है कि अर्ली वैरायटी जितने हैं उतने का ही डेमो दिया गया है, जो ज्यादा दिन चलने वाले ये क्रॉप है उसका इसी किसानों को मालूमत ही नहीं दी गई। और अभी दो बार कपास चुनाया गया, बाद में से इसमें जो फर्दर जो ज्यादा दिन तक कपास लिया जाता है वो लेने वाले किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो किसान को तो लगता है कि भाई दो बार चुनने से कोई बिल्कुल इस वक्त मैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी को भी शामिल करना चाहूंगी। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर सीड कंपनियां बीज का जो क्वालिटी है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है आज हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी कीमत के भरोसे, अच्छी कीमत जो लास्ट ईयर मिली थी उसके भरोसे किसान ने लगाया तो यहाँ पर बीटी कॉटन या फिर कॉटन, लेकिन उसका फायदा तो यहाँ मिल नहीं रहा। दो चीज है, एक पूरा आपका चर्चा सुनने के बाद मेरा मन में दो तो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जितना नुकसान है, जो कहते हैं 70-80-90% नुकसान है, वो एग्जैजरेटेड नंबर है। नुकसान जरूर है मगर मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान है। दिस इज द फर्स्ट प्रपोजिशन। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जरूर और आपका दर्शकों को कि इसमें सरकार का, महाराष्ट्र केंद्र राज्य सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्सटेंशन सर्विस चाहिए, एक्सटेंशन सर्विस सरकार द्वारा, सुनो, इस सरकार द्वारा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं जहाँ पर कॉटन में अच्छी खासा नुकसान हुआ है और किसानों ने ये बात बोली भी है कि उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा ना हो लेकिन फिर भी नुकसान तो काफी है। बिल्कुल नुकसान जरूर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर यहाँ 20%, 30%, 40%, 50% अभी पता नहीं, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि 80-90% का नुकसान है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि ये राज्य सरकार जो है अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया है। उनका काम था एक्सटेंशन सर्विस, किसानों को एडवाइजरी देना, किसानों को गाइडेंस देना, वो काम किया नहीं है। गुजरात में भी ऐसा एक समस्या आया था 2 साल पहले गुजरात सरकार ने तेजी से निर्णय लेकर के किसानों को सही बताया कि जो भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो कहा जाता है अंग्रेजी में क्या क्या करना है, मगर महाराष्ट्र सरकार को जानना चाहिए पिछले 10 साल में विदर्भ क्षेत्र में जो कॉटन का प्लांटिंग होता है उसमें कई समस्याएं हैं, किसान का आत्महत्या हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया पिछले 10 साल में टू एडवाइस फार्मर्स, टू गिव गाइडेंस टू फार्मर्स, खास कुछ किया ही नहीं है। तो इस साल जो नुकसान है और बीटी सीड के वजह से नहीं है, बीटी सीड के वजह से होता तो देश भर नुकसान होना चाहिए। दिस इज रीजन स्पेसिफिक, खास एक क्षेत्र में उनका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस सही नहीं था, उसके वजह से नुकसान आया है। जी पाशा जी हमारे साथ बने हुए हैं, पाशा भाई आप क्या कहेंगे, जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि रीजन स्पेसिफिक है तो सीड कंपनियों की गलती है यहाँ पर, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको लगता है बहुत ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस या हैंड होल्डिंग किसानों को नहीं दी गई? देखिए सबसे बात यह है कि जो सीड कम से कम महाराष्ट्र में 65 कंपनियों का बीज दिया जाता है बीटी का, जब भी बीटी कंपनी का ये क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको किस नमूने का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये काम जो है ना तो सीड कंपनियों का है और सीड कंपनियों ने करना चाहिए था। वो बताना चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन इतना आता है, इसके लिए ये स्प्रे करना चाहिए, इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बीज कंपनियों की है, बीज कंपनियों ने करना चाहिए था।
वो बीज कंपनियों ने किया नहीं जी। पाशा जी, तो अगर अब अगर ये सिचुएशन आ ही गई है कि एक ब्लेम गेम है, पता नहीं है, लेकिन किसानों ने ऑफकोर्स यहाँ पर काफी पैसा खोया है, फसल भी खोई है, अब यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट क्या करने वाली है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्रॉप इंश्योरेंस है, पंतप्रधान पीक बीमा योजना जो है क्रॉप इंश्योरेंस, उसके जरिए, और दूसरी बात जो आपदा आई है, जो संकट आया है किसानों पे, ये आपदा सहायता कोष भारत सरकार की तरफ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और नितिन गडकरी जी दोनों ने मिलकर राधा मोहन सिंह जी को इस सारी बातों की जानकारी दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र के किसानों को आपदा निधि से हम जरूर सहायता करेंगे और किसानों को का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान में से किसानों को बाहर निकालने के लिए जिस नमूने की सहायता करनी जरूरी है वो सहायता राज्य और केंद्र की तरफ से होने वाला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भैया आपका नुकसान तो हो चुका है लेकिन उसकी मदद भी आपको सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जरूर देने वाली है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत कीजिए, लास्ट 3 सालों में जिस तरीके का किसानों को मदद केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र ने किया है वो ये कपास में भी जरूर। तो आपको केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये आश्वासन दिया गया है कि किसानों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। चंद्रशेखर जी, पाशा साहब और मनीषा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं अब सोने और चांदी की, जहां पर आज तेजी है लेकिन कारोबार में आपको बहुत ज्यादा कोई उछाल नहीं दिखाई देगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम $1,260 के पार चला गया है। चांदी की बात करें तो वहां पर भी हल्की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मोनार्क नेटवर्क की रेनिशा चनानी जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग रेनिशा, सोने और चांदी में आज क्या करने की सलाह आप दे रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है लेकिन यहाँ पर भारतीय बाजार में उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए? हाय मुग्धा, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइजेस ऑलमोस्ट यू नो बॉटम के आसपास ट्रेड हो चुका है एंड आई थिंक बॉटम हैज़ बीन फॉर्म फॉर दिस ईयर। मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिसे पोजिशनली बाय करना हो, गोल्ड एंड सिल्वर। सो फॉर नेक्स्ट 3 months, 6 months डाउन द लाइन आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से 7-8% जितना रिटर्न मिल सकता है। सो फॉर पोजिशनल इन्वेस्टर दिस इज़ वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्टिंग। अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो दे हैव मूव्ड आउट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ ईयर एंडिंग एंड जो दूसरे एसेट क्लासेस है लाइक इक्विटी एंड बिटकॉइन जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, सो पीपल हैव टेकन आउट सम मनी। बट आई थिंक जैन फैब मार्च ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा जहाँ पे हम यू नो काफ़ी न्यू इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखेंगे, सो बिफोर दैट दिस इज़ द गुड टाइम। इंट्राडे के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगी प्राइजेस में थोड़ा बहुत यहाँ से बाइंग किया जा सकता है। जो करंट प्राइजेस है 28,450 के आसपास हम अभी भी गोल्ड में बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 350 एंड टारगेट्स कुड बी सीन एट 28,600 और 650। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा प्राइजेस है अभी 37,500 के आसपास फॉर द टारगेट्स ऑफ 37,700 to 800। सो ओवरऑल मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव सारे डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइजेस में एंड जिस तरह से हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कल देखा कि रिपब्लिकन टैक्स प्लान को उन्होंने पास किया है विथ मैक्सिमम वोट्स, सो आई थिंक ऑल दिस नेगेटिव्स आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड। फॉर फ्यू डेज लैकलस्टर मूवमेंट रहेगी बट येस बाइंग करके चलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज आपको तेजी दिखाई दे रही है और ब्रेंट का दाम $64 के पास है। आज नेचुरल गैस में भी करीब 1% ऊपर ट्रेड्स हो रहे हैं। रनिशा बनी हुई है हमारे साथ। रनिशा, आज कैसे ट्रेड करें क्रूड को? क्रूड में हमने देखा है कि जो नेट लॉन्ग पोजीशंस है वो काफ़ी बढ़ रही है एंड इट इज़ एट यू नो 13-month हाई लेवल, और अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इट इज़ एट रिकॉर्ड हाई लेवल्स। सो काफ़ी लास्ट स्पेकुलेटर्स जो है वो
ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से काफ़ी बढ़ सकती है एंड दे हैव बिल्डिंग सो मच ऑफ पोजिशंस. बट आई थिंक 2018 में ये जो फोकास्ट आ रहे हैं वो ओपेक से IEA से कि सरप्लस बना रहेगा US से प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा. आई एम नॉट दैट मच बुलिश ऑन प्राइसेस. आई थिंक यहाँ पे प्राइसेस कंसोलिडेट होती रहेंगी. ऑन अपसाइड 3750 मुझे लग रहा है प्राइसेस वहाँ तक जा सकती है एंड डाउन साइड में 3650 तक जा सकती है. सो इसी रेंज में प्राइसेस ट्रेड करेंगी फॉर MCX जैन कॉन्ट्रैक्ट. सो आई वुड से सेल ऑन रैलीज एंड बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें. नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है विंटर डिमांड काफ़ी अच्छी आ सकती है एंड प्राइजेस हैव फॉलन सो मच एट ओवरसोल्ड लेवल्स. तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 180. विंटर डिमांड काफ़ी अच्छी आ सकती है एंड प्राइजेस हैव फॉलन सो मच एट ओवरसोल्ड लेवल्स. तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 180. जी ऑल राइट, थैंक यू सो मच रनिशा आज हमारे लिए समय निकालने के लिए. और इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में हम लेंगे आप सबसे इजाजत. बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ क्योंकि आगे लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस. नमस्कार.